मालूम पड़ गया कि आज के एपिसोड में दादी सरला जी घर आती हैं और उन्हें बताती हैं कि प्रज्ञा एज अभी के सेक्रेटरी उनके घर पर काम कर रही है, और ये भी बताती हैं कल अभी ने प्रज्ञा की जान बचाई। ये सुनकर सरला जी प्रज्ञा बहुत गुस्सा होती है और कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतना बड़ा कदम हमें बताए बगैर कैसे उठा सकते हो, तुम्हें नहीं याद कि लास्ट टाइम तनु आलिया ने तुम्हारे साथ क्या किया था। दादी सरला जी से माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं कि इसमें प्रज्ञा की गलती नहीं है, उसमें मेरी गलती है, मैंने आप मुझे आपको पहले इस बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अब मुझे अभी की फिक्र थी। दूसरी तरफ तनु आलिया एक टाइम नाते हैं, तनु अपने घर वालों को अभी के पास लेकर आती है। तनु की माँ अभी से कहती है कि वो बहुत बीमार हैं और वो मरने से पहले अपनी बेटी तनु की शादी होते हुए देखना चाहती है। ये सुनकर अभी इमोशनल हो जाता है और तनु से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इतने में दादी और प्रज्ञा घर वापस आते हैं। घर पे तनु के माँ बाप और पंडित को देखकर शौक हो जाती है और आलिया से पूछने के सब क्या। आलिया दादी को बताती है कि अभी और तनु शादी कर रहे हैं और अभी ने इसके लिए हाँ कर दिया। ये सुनकर दादी अभी के पास जाते हैं और उससे पूछने के सब क्या। अभी दादी को सारी बात समझाने की कोशिश करता है। ये सुनकर प्रज्ञा बहुत शौक हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो रोने लगती है। इतने में अभी प्रज्ञा के पास आता है और उसे कहता है कि अब से तुम सिर्फ उसकी सेक्रेटरी नहीं उसकी वाइफ की सेक्रेटरी भी होगी। प्रज्ञा अभी कोई बात क्लियर कर देती है कि जब उसकी शादी होगी तो वो ये जॉब छोड़कर चली जाएगी। और कुमकुम भाग्य के डेली अपडेट के लिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो क्लिप्स टीवी, हम डेली अपडेट करते हैं कुमकुम भाग्य।